सपोर्ट और मैं हूं वसीम आपका दोस्त आपके साथ। दोस्तों आज मैं करने जा रहा हूं द ऑल न्यू टाटा टियागो XT ऑप्शनल में जो म्यूजिक सिस्टम ऑफर किया जाता है उसमें क्या क्या फीचर्स आपको ऑफर किए गए हैं, क्या क्या मतलब उसकी स्मूथनेस कैसी है, उसका टच जो रिस्पॉन्स है वो कैसा है, वो सारी चीज़ें ड्यूरिंग द वीडियो हम डिस्कस करेंगे। तो आज मेरे साथ में हैं अमित शर्मा जी, ये आपको प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन इस म्यूज़िक सिस्टम का देंगे, देखते हैं क्या क्या इसमें खास है। तो दोस्तों मिलिए अमित जी से। अमित जी प्लीज़ एक बार अपना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो सपोर्ट। अब आज हम देखेंगे XTO का जो म्यूज़िक सिस्टम है जो टाटा कंपनी प्रोवाइड कर रही है वो कितना स्मूथ है, कितना रिलायबल है, कितना एक्टिव है और हमारे क्या क्या फीचर्स वो हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो बेसिक स्टार्ट करते हैं इसका टच रिस्पॉन्स। अगर टच रिस्पॉन्स हम देखें तो बेसिक जो हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं उससे उसी टाइप का टच रिस्पॉन्स ये प्रोवाइड करता है हमें। कहीं भी कोई भी लैग नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। इस प्राइस रेंज में जो प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड कर रही है टाटा वो बहुत ही बेहतरीन है इस टाइम पर। और अगर हम देखते हैं इसमें फीचर्स जो गाड़ी के लिए वो देता है, जैसे हम कार सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं इसका रिस्पॉन्स तुरंत आता है। डिवाइड पोर्ट हमें दिखाता है कि किस किस चीज़ के पोर्ट्स है हमारे पास। सिस्टम इन्फॉर्मेशन दिखाएगा कि किस चीज़ का है, जैसे हमारा एंड्रॉइड 10.1 है जो लेटेस्ट है और ये अपग्रेडेबल है। जैसे इसका अपडेट आएगा तो हम इसे अपग्रेड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग फैक्ट्री, अगर हम कुछ भी पासवर्ड लगाना चाहते हैं वो पासवर्ड हम लगा सकते हैं। कार सेटिंग्स, बेसिक हमें कुछ सेट करना है अपनी कार के लिए वो भी हम सेट कर सकते हैं इसमें। अनदर सेटिंग्स आ जाती है आपकी एंड्रॉइड सेटिंग। जब हम फ़ोन कनेक्ट करते हैं तो इसमें सिम हो गया, जैसे आपका एप्पल का आपका नॉर्मली जो एंड्रॉइड का आपले आता है वो आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। वॉल्यूम की सेटिंग्स, हमें किस रेंज में वॉल्यूम चाहिए, मिक्सिंग हम किस रेंज में चाहते हैं और ऑल ओवर जो आपकी कॉल की सपोर्ट वॉल्यूम है वो आप सेट कर सकते हैं। अब नीचे आ जाते हैं ब्राइटनेस। अभी हमने ब्राइटनेस इसकी बैकलाइट ऑन कर रखी है। अगर इसकी ब्राइटनेस हम कम भी करें तो मोर ओवर इसकी ब्राइटनेस अच्छी है। अगर हम किसी शेड में खड़े हैं, हम हाई करते हैं तो फुली ब्राइटनेस में ये हमें अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है। नेविगेशन बिल्ट इन इसमें आ जाता है, गूगल मैप्स आते हैं क्योंकि ये फुली एंड्रॉइड है। 9 इंच का डिस्प्ले, टच रिस्पॉन्स, GPRS इसका सारी चीज़ें दिखाता है कि आपका किस उसमें आप खड़े हैं, एक्यूरेसी है प्रॉपर। आप इसे सेट भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। फिर आ जाते हैं आपके बटन्स, आप अपने बटन्स अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं जो भी आपके स्क्रीन पर चाहिए। लोगो सेटिंग्स आ जाती है, किस टाइप का लोगो हो गया, एनिमेशन हो गया, आप किस तरीके से इसे डिज़ाइन करना चाहते हैं, आपकी अकॉर्डिंग योर व्हीकल आप इसको प्रेफरेंस दे सकते हैं। अरे वाह। बाकी अब नीचे चलते हैं हम रेडियो सेटिंग्स। रेडियो एरिया बेसिक जब कंसर्न होता है जब हम सेट करते हैं तब उसको आप सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। अदर सेटिंग्स में आप देख सकते हैं फ्लोटिंग बार आ जाता है, हैंड ब्रेक का ऑप्शन आ जाता है, स्क्रीनिंग सेटिंग आ जाती है, रिवर्स सेटिंग आ जाती है क्योंकि इसमें बिल्ट इन आपका रिवर्स पार्किंग वो आता है। अगर हम गियर रिवर्स गियर डालते हैं तो इसमें आपकी चीज़ वो भी रिवर्स हो लगेगी। सर एक बार रिवर्स गियर डाल दिए, गाड़ी स्टार्ट करिए। बेसिक जो मोर ओवर आप अगर देखते हैं तो हम अगर इसका देखें, टाटा ने सबसे बेस्ट चीज़ प्रोवाइड करी है जो उसका कैमरा है वो इसी स्क्रीन में दिखता है। अनलेस अगर हम कोई भी आउट बाहर से कुछ भी चीज़ लगाते हैं उसका कैमरा में यहाँ अपने IRVM में सेट करवाना पड़ता है, वो यूज़फुल नहीं होता। मोर ओवर इसका कैमरा क्वालिटी भी बहुत प्रीमियम आ रही है और हम इसकी ब्राइटनेस वगैरह भी इसके अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। बाकी हम जैसे गियर हटाएंगे वो हट जाएगा। आप अदर एप्स की तरफ देख लेते हैं। फुल एप्स में जाते हैं, हमारे पास प्ले स्टोर का ऑप्शन आ जाता है, यूट्यूब वीडियोस का ऑप्शन आ जाता है, हम इसे क्लिक करेंगे कोई भी हमें वीडियो चलानी है वो हम प्ले कर सकते हैं। फुल्ली एंड्रॉइड टैब है, अभी ये हमारा फ़ोन इससे कनेक्टेड नहीं है तो नेट कनेक्टिविटी का एरर आ रहा है, नहीं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बेसिक आ जाते हैं, बैक करते हैं इसे। मतलब इन शॉर्ट दिस इज समथिंग लाइक टैबलेट। हाँ, समथिंग लाइक टैबलेट, फुल्ली टैबलेट, फुल्ली एंड्रॉइड टैबलेट, वी कैन कॉल दैट अबाउट दैट। बिल्ट इन आप अगर नेविगेशन पर जाएँ तो बिल्ट इन नेविगेशन आ जाता है जो मोर ओवरली नाउडे सबके लिए रिलायबल हो जाता है क्योंकि गूगल मैप सब चीज़ प्रोवाइड कर देता है। एट द टाइम ऑफ हम जब भी कुछ भी सर्च कर रहे होते हैं अपने ट्रैफिक्स में होते हैं सारी चीज़ें हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाती है। बेसिक बैक करते हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आती है जिसके लिए जो भी हम ब्लूटूथ अपना कनेक्ट करना चाहें हम कनेक्ट कर सकते हैं अपनी साउंड क्वालिटीज़ की। अभी आपको हम टेस्ट करा देंगे कनेक्ट करके। बैक करते हैं इसमें और फिर आ जाता है म्यूज़िक। इसमें म्यूज़िक कुछ फिटेड है, जैसे हम आपको म्यूजिक क्वालिटी हमने सुनी, जैसे स्पीकर्स भी टाटा ही प्रोवाइड कर रहा है तो स्पीकर्स सारे जितने भी टाटा के प्रोडक्ट्स आते हैं वो वेल रिफाइंड होते हैं और वेल डिजाइन होते हैं टाटा की गाड़ियों के लिए स्पेसिफिक। मतलब यहाँ पर भी JBL का यूज टाटा मोटर्स ने किया है स्पीकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो साउंड क्वालिटी मच बेटर है। बाकी इसमें वीडियोस भी आप प्ले कर सकते हैं अगर वीडियोस का इसमें ऑप्शन है, जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं
जो वीडियो क्वालिटी वो भी अच्छी है। ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स इन चाइना एंड इवन इन द वर्ल्ड। अब जैसे हम देख रहे हैं इसकी वीडियो क्वालिटी एचडी क्वालिटी ये प्रोवाइड कर रहा है, मैं फुली एचडी तो नहीं बोलेंगे सर, पर एचडी क्वालिटी हमें प्रोवाइड कर रहा है, सेमी एचडी हम कह सकते हैं, 720p तक ही सपोर्ट कर रहा है। बाकी एक्सटर्नल फीचर आप इसको देखिए, आप इसको ड्रैग कर सकते हैं बेसिक, अगर आप कुछ और चीज़ यूज़ करनी है एज अ टैबलेट हम भी मल्टी स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं, जैसे इसमें अब मेरे को कुछ और भी सही है कुछ भी सेट करना है तो मैं यूज़ कर सकता हूँ, मेरी वीडियो प्ले हो रही है यहाँ पर। ओके अब वीडियो हम यहाँ से डायरेक्ट इसको ऐसे स्क्रीन को स्टॉप करेंगे, यहाँ पे हम स्टॉप कर सकते हैं, बाकी हम बैक जाके वीडियो क्लोज कर सकते हैं। और इसके अलावा साउंड रिकॉर्डर वगैरह, मतलब वो सारी फीचर्स इसमें हैं मेरे ख्याल में जो एक टैबलेट में होते हैं और जो होने चाहिए, जो आपके फ़ोन में होते हैं जनरली वो सारे फीचर्स आपको लगभग इसमें मिल जाएंगे। बट फ़र्क इतना है कि आपको इसको कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी थ्रू द हॉटस्पॉट, मतलब यहाँ से वाईफाई आप इसका ऑन करेंगे, अपने फ़ोन का हॉटस्पॉट ऑन करके इसको कनेक्टिविटी दे सकते हैं और ये आपके एक मोबाइल फ़ोन जैसा काम करेगा। हाँ, साउंड क्वालिटी इसकी नो डाउट बहुत अच्छी है, अभी हमने देखा एक एक बीट साफ सुनाई दे रही थी। तो दोस्तों ये था क्रॉसलिंक म्यूजिक सिस्टम का एक डिटेल रिव्यू, बने रहिए अपने साथ में, आगे कुछ नया लेके आते हैं। और हाँ, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आने वाले टाइम में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में।